हमारा बहुत इच्छा था और मन में हमारा प्रश्न यही बात तो समझ में ये बात तो सुना ही नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ में आकर तो सुना है, वहाँ में तो नहीं बोलते। ब्रह्मा बाबा तो एक तरह से बच्चा हुआ, प्रजापिता तो उनका बाप हुआ, और जो बड़ी मम्मी थी वो पत्नी हुई, प्रजापिता पति हुआ। पत्नी को पति का रिगार्ड रखना चाहिए, वो ब्रह्मा बाबा के साथ रही। तो सारे ने ठुकरा दिया ना उनको। दूसरी माता थी वो भी इसी तरफ आ गई, ब्रह्मा बाबा की तरफ। तो दो ही तो मुख्य भुजाएं होती, दोनों भुजाएं कट गई। पहली बुलेटिन देखा, उसमें लिखा हुआ है हार्ट में दर्द हुआ, जब तक बाबा जब तक डॉक्टर आया शरीर छोड़ दिया। पहली बुलेटिन तो मुर्गियों की छपी हुई रखी है ना, मुर्गियाँ जो निकलती थी ना उनके साथ ही बुलेटिन निकलती थी। माता जी जो तलब था यही बात तो बोला, यही तो बात को हम बेसिकली नहीं सुना है। वो बात क्यों सुनाएंगे, वो है वो क्यों सुनाएंगे, जिन्होंने बाबा ने बोला है लाश भी गुम कर दिया है उस प्रजापिता का, जिन्होंने माँ बाप का साथ ऐसे हरकतें की हुई है, वो क्यों सुनाएंगे ये बातें। अभी भी तो एडवांस का जो बात आती है अच्छी अच्छी बात वो भी कर देते हैं। कहाँ तक काटेंगे, पैसर के ऊपर बच्चे चढ़ के बोलेगी, इसीलिए तो गड़बड़ हो जाता है। बोलता है एडवांस पार्टी क्या है, समझा रहे आगे से तैयार है, लेकिन कहाँ पे रहा है एडवांस पार्टी कहाँ है, यही बात हमारा घूम रहा है। यही बात सुनने का मन है तो आपके लिए पसरा हम जाने से ये बात आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत खुशी हुआ है, बहुत खुशी आ गया है। फोटो तो ब्रह्मा का रखना ही नहीं है, प्रैक्टिकल में है तो फोटो क्यों, फोटो तो भक्ति मार्ग रखा। मर जाता है माँ बाप तो उनका फोटो रख लिया जाता है, तो फोटो देख करके प्यार हो जाता है, बाबा को भूल जाता है, भूल जाते हैं। बात तो हुआ है, करेगा जरूर। हैदराबाद वालों ने बाबा का फोटो ही छपा दिए तो बोलती हूँ मैं कुछ दिन से देख रहा था, मैं कपड़ा का चेंज आ गया था, उसमें ड्रेस का रंग सफेद छोड़ करके दूसरा पहनना शुरू कर दिया। ये सब क्या बोलते हैं, सब उधर गाँव में जाना, बड़पेटा में जाना, हो रहा था गुप्त भाव से काम किया है सब, धीरे धीरे सब रेडी कर। चलो ये बातें छोड़ दो, जाना हमारा ज्ञान व्यक्तिगत नहीं है, कोई बात उठाने का नहीं है। ड्रामा में है वो होते रहेंगे हमार, सब लोग देखने के समय आप संगठन कौन दिन ठीक हुआ इसका बात हो, तो सबकी आपस में राय लेकर के जैसा सेट हो जाए, जैसा बहुमत हो, अभी भी प्रजातंत्र राज्य है कौन राम राज्य है, जैसा सबका सेट हो जाए, बहुमत जिसका हो वैसा वैसा फाइनल कर लीजिए। बाबा जी बताने का तुम्हें चाहिए, सबको जैसी सुविधा हो वैसा कर लीजिए। आपका तो घर का धंधा है, जब चाहे बंद कर दो, जब चाहे धंधा चालू कर दो। जो नौकरी पैसा वाले हैं वो तो बंधे हुए हैं। घर में तो जितना भी काम करने से भी नहीं होता, सत्संग में आना पड़ती है। भक्ति में भी सत्संग में तो उसको भी सत्संग है, सत्संग नहीं होते कैसा होगा, सत्संग में जाना ही है, संग संग में आना ही है, जहाँ सत बाप की वाणी सुनाई जाती है वो ही सत्संग है। वाणी से हटकर के कुछ अलग बातें सुनाते हो वो सत्संग नहीं है।
इसीलिए तो बोला है यदि गुण धारण करना है शुद्ध धर्म में खाना है सत्संग में जाना है। माँ बाप की वो नहीं की है, कदर नहीं की है, वो सब ब्रह्मा कुमार शरीर छोड़ रहे हैं अचानक। ओ माता जी ऐसा कथा अपने को प्रश्न नहीं थे जिन्हें मैं समझा रहे हैं तो जी बाबा जैसे ना जाना एक दिन जैसे मंदिर में तो आने थे मंदिर में भी थे केंद्र बेसिक से सुना है बेसिक से सुना है बेसिक का एक भाई भाई को शाह भाई को बोला बहुत सी बात क्या छोटी मामी कब आएगा छोटी मम्मी के लिए तो कितने साल पहले से अद्वैत वाणी में बोला हुआ है विजय माला का आह्वान करो तो ध्यान ही नहीं देता है। मम्मी 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 उधर भी ब्रह्मा 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 सब चिल्ला रहे थे यहाँ भी मम्मी 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 बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी चिल्ला रहे हैं। बड़ी मम्मी का जो काम था वो हो चुका अब असली काम तो विजय माला के द्वारा होना है। एडवांस पार्टी का काम स्थापना भी एडवांस में कर देना और विनाश भी एडवांस में कर देना। एडवांस माना ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर तो जितने भी पॉइंट थे आसुरी ब्राह्मणों को मारने के तो सारे पॉइंट आ चुके हैं। राम जी के तीर कहे जाते हैं राम के बाण असुरों को जो घायल करते हैं तो सारे एडवांस पार्टी में आ चुके हैं। ऐसे जो करना है मुख्य काम जो अगर करना है तो आह्वान करना बेसिक से टीवी में तो यूजी छठा में साढ़े छः से है साढ़े छः से इम्फाल से साढ़े छः साढ़े छः ओम शांति चरण देखा है क्या वेदांति माता दो दिन देखा है 15 मिनट एक बात मेरा समझ में बैठा है कि बाबा अभी भी यहाँ पर ही है यहाँ पर बैठ करके सब को समझा रहा है अभी तक तो मैंने वो टीवी कहाँ से रिली हो रही है वो वहाँ से ही होती है हाँ जी वहाँ से कैसेट जाती है दिल्ली में है? दिल्ली में जाती है कैसेट दिल्ली से रिलीज होती है वो आस्था चैनल है संस्कार आस्था चैनल संस्कार चैनल हाँ जी हाँ जी अच्छा आस्था चैनल संस्कार चैनल में जो दीदी दादियाँ खड़े होकर सुनाती हैं हाँ जी उसमें वेदांती बहन ने भी सुनाया कभी दो सुनाया दस मिनट हाँ हाँ मैंने उन्होंने जो बोला उसमें ये बात नोट की आपने बाबा अभी भी यहाँ पर ही बेच करके समझा रहा है अभी भी अभी नीचे सुनती देखते आपको समझते न तो ये बात तो सकाले भी देखा अभी तो रोज उषा बहन बोलती है ये बात तो अद्वैत वाणी में बाबा ने खुद ही बोल दी है बाबा ने कहा जो असली सेवा होनी चाहिए वो असली सेवा अभी अफ्रीका ने शुरू की है अभी एक दो साल के अंदर अभी तुम्हारी बोल दिया समय और किसी बेसिक सेंटर के लिए नाम नहीं बोला अफ्रीका ने शुरू की मैंने एडवांस की जो असली सेवा होनी चाहिए वो अफ्रीका वालों से शुरू हो चुकी समय बहुत कम है ये भी बोला अगर अगर नहीं करना ठीक है अभी भी इतना सुंदर है बहुत अच्छा लगा देखकर साठ साल ऐसा लगता है क्या
साठ साल किसी और माता जी की उम्र है ये कहा साठ साल की उम्र का तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है आपका छोटे तो नहीं है ना भक्ति मार्ग में राधा की उम्र बड़ी दिखाते हैं और कृष्ण की उम्र छोटी दिखाते हैं। हम जब दिल्ली गया तो बोला सबको बोलो हमारा बेटी की बेटी इधर में आया हमारी बेटी छोटी मामी है ना उसका मामी है ना बोरी मामी कोई हमारा बेटी का बात नहीं बोलते सब लोग मिलजुल बैठते हैं क्या बोले गुप्त है तो गुप्त है बाबा ने बोल दिया अगर तो वाणी में बाबा ने बोल दिया क्या जगदम्बा अभी घूंघट में नाराज हो गया नाराज हो गया तो डाइवोर्स लेटर भी दे दिया उनसे पूछो क्यों नाराज और उनका कहना ये है उनका कहना है सारी मेहनत हमने की और लक्ष्मी आके वो बनेगी इसलिए और तिरुपति का चक्कर है वो कहती तिरुपति वो कहते नहीं तिरुपति तमिलनाडु ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ की राजधानी का नाम माँ रखा गया है जो एयरपोर्ट वगैरह है ना उसमें मद्रास या चेन्नई नहीं लिखा होता है उसमें एम डबल ए माँ और वहाँ राज्य भी अभी जय अम्मा कर रही है जय अम्मा का नाम नहीं सुना नहीं सुना हाँ जी कई साल से तुम लोग पागे नहीं कोई एक चमक से हम सुन बैठन की माता बोलते बाबा जी बोलते बैठन की बहन बाबा ने मुरली में बोला है शंकर पार्वती को युगल थोड़ी कहेंगे शंकर पार्वती युगल कहेंगे या ब्राह्मण ब्राह्मण ही आपस में भाई बहन ब्राह्मण ब्राह्मण युगल कहाँ से हो गए मुरली में बोला है ये पॉइंट शंकर पार्वती को युगल थोड़े ही कहेंगे क्यों जुड़ा ब्रह्मा कुमार कुमारी है या जीवन जोड़ा है ब्रह्मा कुमार कुमारी है तो जीवन जोड़ा कैसे क्यों शिव तो में समझाना एक साथ देखना की बात है जुगल तो यहाँ इस दुनिया में कहा जाता है जिनकी शादी होती है वो तो बनाया हुआ मिट्टी कहते हैं जो मिट्टी निकली वो मिट्टी इकट्ठी करके बना दिया माने देह हनुमान की मिट्टी से बनाया हुआ है गणेश का पूजा रखते हैं देवी देवता पूजा पहले गणेश का पूजा हाँ जी हाँ जी इसीलिए उन्होंने ज्यादा भक्ति दिखाई माँ बाप के प्रति
भक्ति मार्ग और देवताओं ने इतनी भक्ति नहीं दिखा पाई, भक्ति मार्ग में उन्हें माँ बाप नहीं सारी दुनिया समझ ली, सारी दुनिया माँ बाप नहीं समाई हुई, माँ बाप की प्रदक्षिणा कर ली और सारी दुनिया की प्रदक्षिणा हो गई। मुक्ति मार्ग में एक आता है उसका मोह है हाथी का है जीवन ज्यादा है, माँ बोलता है जे कान रोने लगा जे उसका मुख तो हाथी का है तो उसको कौन कौन उसको रिजेक्ट करेगा, बोले नहीं उसका पूजा साल का पहला पहला दिन होगा। बहुत खुशी हो गया है मुक्ति मार्ग में। तो माउंट आबू जाएंगे शादी हो जाएगी क्या है शिकार कर सकते शिकार कर ब्राह्मण परिवार परम धाम जैसे चलत आ गया जो आदमी की स्थिति निश्चित होंगे तो शादी में जाएंगे। क्लास करने को जाने से बहन जी को पूछी लास्ट में जो बेसिक में जो भाई पूछेगा भाई बहन पूछेगा बहन जी को जे अभी बाबा कहाँ है और विलास का काम कौन करेगा तो बोला है उससे से क्या बोलेगा समय आने से सब जान लेगा। किसने कहा? बहन जी समझाते मुरली बोला नहीं ना, ना है अभी तो हम यहाँ से तो आपको सुन सुन के गया है ना क्या क्या बात है आप भी आप पूछेगा तो अच्छा होगा जो बोलने के नहीं चाहिएगा तो आप बोल दीजिएगा लेकिन एडवांस आया है ये बात आप अभी बोलने का दरकार नहीं है ये फट्टी करने करने से तो पड़ेगा विनाश कौन करेगा ये तो बात क्लियर कर दी है बाबा ने कि शक्तियाँ ही विनाशकारी है श्रृंगार कहानी शक्तियों को गाया हुआ है शंकर तो ही विनाश करता है। बाबा कहाँ है यही बात उस लोग को बोलने से तो झगड़ा होगा ना आज उस लोग तो बोल नहीं बोलते है ना कहाँ है बाबा इस तो झगड़ा होगा वो तो छुपाने वाले हैं परमात्मा पार्ट को यही बात अंधेरा उनका काम है उनके अंदर की आवाज है अंधेरा कायम रहेगा अज्ञान अंधेरे को हम कायम रखेंगे हम सूर्य को उदय नहीं होने देंगे उजेला उजेला न हो तो अच्छा है तो कहेगा ना वो सारी आत्माएं उस कुल की हैं मालूम क्यों उस कुल की हैं ये हनुमान जी का पार्ट है क्या बाल समय रवि भक्ति लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो बचपन के टाइम में हनुमान ने क्या किया था सूर्य को जो उगता हुआ सूर्य था बाल समय का जो सूर्य था उसको उन्होंने खा लिया तो चारों तरफ अंधेरा हो गया तो इंद्र करके अंधेरा हो गया तो यज्ञ के आदि में ये अंधेरा हो चुका था उस समय सूर्य उदय होने का टाइम था यज्ञ के आदि में। एक बात पूछिए कृष्ण का जन्म कहाँ से होगा उसका माँ बाप कौन है यही बात तो हम जरूर पूछेंगे लेकिन वो तो कह देंगे कि वो अभी बताने की बात नहीं है या कहीं चला देंगे बात को ना, तो बहुतों ने पूछा है तो सब जान जाएगा कहाँ से जानेगा यही बात हवा में जानेगा यही बात तो आपको बोला है हमारा समझ में नहीं आता एडवांस पार्टी कहाँ है बाबा अभी कहाँ है गुलजार दादी गुलजार दादी को गुलजार दादी ने है बाबा भगवान की प्रवेश में और मनुष्य की प्रवेश में तो अंतर हो जाता है। अच्छा शिव बाबा आता है तो गुड मॉर्निंग करता है गुड नाइट करता है शिव बाबा गुड मॉर्निंग करने आता है गुड नाइट करने आता है क्या करने आता है गुड मॉर्निंग सत्यपुरुष की सवेरा करने आता है गुलजार दादी के मुख से तो जब वाणी पूरी होती तो गुड नाइट बोलते हैं। चंद्रमा क्या करेगा चंद्रमा गुड नाइट करेगा गुड मॉर्निंग करेगा गुड नाइट करेगा वो चंद्रमा का पार्ट ही है नाइट का अंधेरे का वो अंधेरे का राजा है। और ये बात जब दुनिया में प्रत्यक्ष होगी कि चंद्रमा अंधेरे का राजा है तब तो उनके चेहरे लटक जाएंगे बिल्कुल सूर्य दिन का राजा है
अज्ञान अज्ञान अंधेरा आता है रावण से, ज्ञान आता है शिव बाबा से। बातें अलग अलग हो गई ना, अज्ञान अंधेरा कहाँ से आता है? रावण से। रावण से अज्ञान अंधेरा आता है, शिव बाबा से ज्ञान आता है। तो शिव बाबा हो गया ज्ञान सूर्य, अज्ञान अंधेरा हो गया ब्रह्मा बाबा, वो राका पति हो गया, राका माने रात, रात का पति हो गया। उसकी रोशनी में सितारे टिमटिमाते हैं, अपनी अपनी रोशनी फैलाते हैं, सूर्य के प्रकाश में सितारे जो है अपनी रोशनी सूर्य के प्रकाश में मर्ज कर देते हैं। इसीलिए बोला कि मीटिंग करने से थोड़ी बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा, ज्यादा मीटिंग करने से तो भाज भाज की बातें निकलती है। मीटिंग करो चाहे कॉन्फ्रेंस करो, मैडमों की तरह कॉन्फ्रेंस हो गई, जैसे मैडक इकट्ठे होकर के बरसात में ट्रां 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 कर रहे हैं, कोई अर्थ तो कुछ भी नहीं, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता है। चाहे दुनिया वाले गुरु लोग मिलकर के कॉन्फ्रेंस करें, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करें, और चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी मिलकर के ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करें, रिजल्ट क्या निकलता है? ट्रां ट्रां करके अपने अपने चले जाते हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं। फैसला क्या होता है? हाँ, फिर मीटिंग से फायदा क्या है? माता बोलते हैं क्या है? नहीं लिया, लिया भट्टी भी किया, क्या करते हैं? हमारे इधर में धर्म आत्मा बाबा इधर में है, तो बाबा इधर में है उधर नहीं है। हाँ, तो इधर नहीं है। हाँ, तुम्हारे इधर नहीं है तो मुरलियों को कुछ बातें लो उठाओ। मधुबन में जो मुरली आएगा ना उधर में बोले जा दिए, मंगलदेव में बाबा मामा गा 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 क्या है? गागा तो थोड़ा ही काम चलेगा, प्रैक्टिकल बर्तमान गागा का मतलब क्या है? जब शिव बाबा ऊपर से नीचे आ चुका सत्यदेव ठाकुर तो बीच में वापस थोड़ी चला गया है कि गागा 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 गीत गाओ। सारे विष्णु पार्टी वाले बस यही बोलते हैं, प्रत्यक्ष होगा होगा गा, लेकिन अपने को ये भी साबित करना चाहते हैं हम ही विष्णु हैं। बाबा एक बात की कामना, पुराने बच्चे तो कहते हैं तो वो अम्बा माँ शिक्षा देती थी और एक तो हमें भी शिक्षा दो, बाप दादा कहते हैं और एक बच्चे को बाप ने विशिष्ट दर्पण दिया है, उस दर्पण में आपसे बच्चों का शिक्षा दे सकते हो कि मैं कौन जानते हो? वो दर्पण आपके पास है, जानते हो कौन सा दर्पण पहली लाइन आने तो जानते होंगे ना? ये तो की बला बाबा क्या क्या आपका प्रश्न क्या है? आप अपनी भाषा में बोल दीजिए फिर समझ लेंगे। कौन बात पुराना बच्चा बच्चा है मैंने कोई चीज बाबा जगदम्बा माँ जो चित्र दिखी ला हमारे चित्र क्या दिया मैं हमारे चित्र देती हूँ क्या की कुछ जगदम्बा होता है कौन दिखे मैं कहीं ऐसा प्रूफ आया कि जगदम्बा माता अपना चित्र देती थी या ब्रह्मा बाबा का चित्र देती? मुरली में तो बोला है कि ब्रह्मा का चित्र रखना है, जब ब्रह्मा का ही नहीं रखना है तो जगदम्बा माँ का चित्र कहाँ से रखेंगे? हमें तो ऐसा तो हमें नहीं लगता कि मम्मा अपना चित्र देती होगी तो हमारा चित्र रख लूँ या ब्रह्मा बाबा हमें भी चित्र हमारा भी चित्र चित्र देती थी हर एक को। किसका चित्र देती थी? एक तो पुराने बच्चे तो कहते हैं
जी बच्चों की बात बताई, बाबा ने अपनी तरफ से कोई सच्चाई नहीं बताई, देते हैं चित्र की नहीं देती थी जगदम्बा माँ, बच्चे कहते हैं, पुराने बच्चे तो कहते हैं जगदम्बा माँ, जगदम्बा माँ चित्र देती थी हर एक को, तो पुराने बच्चे कहते हैं तो हमें भी चित्र दो। आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं हो ना। कई बच्चे जब रुझान करते हैं तो कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमको, माने हम भविष्य में क्या बनेंगे उसका चित्र हमको दो, माना हमारे भविष्य का चित्र दो, बच्चे कहते हैं। हाँ उसका तो प्रसंग ऊपर से आता है, उसका चित्र हमको दिखाओ, बाप दादा क्या कहते हैं, तुम्हारा चित्र बाबा थोड़ी देगा, बाप दादा क्या कहते हैं, पुराने बच्चे तो कहते हैं जगदम्बा माँ चित्र देती थी हर एक को, भविष्य का चित्र देती थी, वो आदि की बात बताई, आदि में माला प्रत्यक्ष करते थे, माला माला बनाते थे, माला टूट जाती थी, ये बनेंगे, ये बनेंगे, ऐसे ऐसे, तो जगदम्बा माँ चित्र देती थी हरेक को, तो हमें भी चित्र दो, पुराने बच्चे ऐसे कहते हैं, बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दे दिया है, उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन हूँ। ज्ञान का दर्पण नहीं मिला क्या, मैं कौन हूँ जानते हो, वो दर्पण आपके पास है, जानते हो कौन सा दर्पण, पहली लाइन वाले तो जानते होंगे ना, पहली लाइन वाले जानते हैं, वह दर्पण है वर्तमान समय के स्वराज्य की, वह दर्पण है वर्तमान समय के स्वराज्य की स्थिति का दर्पण, वर्तमान समय के स्वराज्य, इंद्रियों का राज्य, इसी साल ये 2006 की जो वाणी है, इसी साल की जनवरी की वाणी है, वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण, अपनी इंद्रियों पर कितना किसने कंट्रोल किया है उस स्थिति का दर्पण, वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी है उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे, अगर पूरा अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है तो विश्व के महाराजा बनेंगे, अपने का, अगर आधा कंट्रोल है, आधा कंट्रोल से बाहर हो जाते अधूरी राजा बनेंगे, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, मौका पाया और इंद्रिया कंट्रोल से बाहर हो गई तो बिल्कुल राजा नहीं बनेंगे, भले बाबा ने बोल दिया मुरली में पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, लेकिन इतना होते हुए भी राजयोग सीखने वाले कुछ तो हैं, तो जब समय आता है, मौका आता है, अवसर आता है, तो उस अवसर में या उस परीक्षा में पास होते हैं या फेल होते हैं, थाली पड़ती हुई सामने आई, उस समय कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, अभी तो नहीं, कोई कोई बाबा जो जो बच्चा हो बच्ची हो अंदर में रहते उनके लिए तो यही हो जाता बात, अंदर माने घर का अंदर हो, तो हम सब रहते रास्ता का किनारे में बैठे रहते, हमारे तो कोई स्थिति ज्यादा आते है, हाँ तो हमारा किसी जल्दी से इतना स्थिति आएगा है, वो पोजीशन कैसे इतना जल्दी आएगा, माता कन्या तो अंदर में रहते ज्यादातर, अच्छा माता कन्या भी बात उठाई, इसलिए वो कंट्रोल कर लेती है,
जल्दी से कंट्रोल हो जाता है, हमको तो नहीं पता बाहर ज्यादा बाहर के दुनिया में बाहर का। तो आपके पुरस्कार से आपको नंबर भी तो ज्यादा मिलते हैं, का फोटो रख देना चाहिए। क्यों भाई जो अभी अभी तो दे दिया ना, ये जो बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम हो रहे हैं ना, उनमें पहला चित्र गुलजार दादी का होता है और आखिरी चित्र वो शंकर जी बन के बैठती है, क्या नाम कुमार का दादी, उनका होता है। ऊपर शिव की किरणें दिखाई जाती हैं, वो शिव की किरणें पहले कुमार का दादी से होती हुई फिर गुलजार दादी के ऊपर आती है। तो त्रिमूर्ति हो गई ना, गुलजार दादी ब्रह्मा बाबा हो गए ना। मैं आपको बोला है पतंजलिका साथ में वो गुलजार दादी का चित्र रख दिया ना। और गुलजार दादी जानकी दादी प्रत्यक्ष होगा समय पर, तो जानकी दादी शंकर प्रत्यक्ष होगा जानकी दादी के द्वारा, गुलजार दादी के द्वारा, कुमार का दादी के द्वारा, कुमार का दादी के द्वारा नहीं प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा मैंने ब्रह्मा कुमारी जैसा सुना वैसा विज्ञान लोग जानकी दादी परीक्षा करके यंत्र लगाया, उससे क्या हुआ लगाकर कितना पावर होगा, कितना पावर है परीक्षा करते है कितना पावर हुआ पावरफुल हुआ कि नहीं, इतना पावरफुल हुआ कि कोई एडवांस कोर्स करके जाए तो उसको तुरंत बाहर निकाल दे, इतना पावर हुआ इसको पावर कहेंगे। जानते नहीं अभी तो जान गया है तो पावर डिस्चार्ज हो गई ऐसे कहेंगे। अरे तुम्हें दम है ताकत है तो जो ज्ञान की बातों का जवाब ज्ञान से दो, मुरली की जवाब मुरली की बातों का मुरली से जवाब दो। ये क्या तुमने उठा करके और वहाँ का सबसे बढ़िया भाई लंदन का जो बेसिक नॉलेज में जबरदस्त होशियार, एक एक पॉइंट उसके दिमाग में भरा हुआ है इरशाद हुसैन, हाँ पाकिस्तान का भाई है और उसने अपना मकान वकान सब माउंट आबू में लिख करके दे दिया कि हमारे बाद इसका हकदार आप हैं इस प्रॉपर्टी के। उस भाई पहले ही दिन मधुबन में तो माउंट आबू में तो फिर भी 15 दिन उसे रहने की परमिशन दे दी कि तुम ये ज्ञान सुनाना नहीं किसी को, 15 दिन रह सकते हो, दे दी परमिशन। यहाँ से भर्ती करने के बाद जब वो गया उसने साफ साफ बता दिया जब भर्ती करके आए हैं कंपनी तो उन परमिशन दे दी। और जानकी दादी के पास गया जो धारणाओं की देवी मानी जाती है, उन्होंने पहले ही दिन उसको गेट आउट कर दिया। तो हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं चबाने के और होते हैं। बात दिखाने में देखने में आती है बहुत धारणा की देवी है। कौन को विस्तार समझाना समय बोला माता जी अभी एक समाज खुला उनका बात हो गया बाबा को तो होगा दो दो के द्वारा, हाँ एक मुकर्रर है और एक टेम्परेरी रहता है। हाँ अच्छा आपने आपने कहा है माता जी को कहा है आपने कहा है नहीं उसको धर्म गुरु होगा धर्म गुरु रूप में प्रत्यक्ष होंगे माता जी ने कहा है। इधर में ऐसा सुनो इधर में ऐसा सुनो हमको बोला था सीधा पॉइंट कहा कि हमको
वो क्या है हम बोला कैसा लगा है भाई भारती करने को मन है क्या नहीं है लेकिन नहीं मन है इतना अच्छा अच्छा बात है लेकिन उस लोग इतना बदनाम काहे करते हैं हम कहा हमें हमने कहा है जब बदनाम करेगा तो कुरुक्षेत्र युद्ध क्यों हुआ इसीलिए तो हुआ है दो पार्टी में इसीलिए कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ है दो पार्टी में इसीलिए कौरव में पांडव में हुआ है तो कौरव पांडव का युद्ध तो होना है ना लास्ट में यही होगा तो वहाँ से वो भाई बहन लगा हाँ बाबा तो यहाँ नहीं है आप लोग कहा है हाय है अभी तो देखते हैं कि बाबा तो यहाँ नहीं है बाबा तो उधर में है ये बात हम लोग को छुपाया क्यों तब क्या उत्तर नहीं है तब तो कोई खतर होगा ना हाँ ताकि यहाँ से भट्टी किया कंपल के और विजय बहन चले गए मऊदा को कुमार का दादी से डायरेक्ट जाके पूछा कि दादी वहाँ से जो कंपल में बात सुनाई जा रही है बिल्कुल सही है और आप तो ये बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है इधर से तो कुमार का दादी ने मालूम क्या जवाब दिया जगदीश भाई से पूछे जाते माने उनके पति देव जगदीश भाई है उनके हाथ में कंट्रोल नहीं है और अब एक तुम्हारी बाबा ने बोला पांडवों के गाइड बनने से सारा गड़बड़ हो जाएगा पांडवों को सिर्फ गार्ड बन करके रहना है अब ये जगदीश भाई गार्ड हुए कि गाइड हुए कुमार का दादी के इंचार्ज हैं किताबों में बड़े शौक से लिखते हैं जगदीश भाई किताबें छाप छाप लिखते हैं मुख्य प्रशासिका प्रकाश मणि दादी सह प्रकाशिका प्रशासिका और मनमोहनी दादी मनमोहनी दीदी किताबों में छाप छाप के रखा हुआ है फिर अंदर से क्या है अंदर से गाइड है कि गार्ड है एक में गड़बड़ पड़ी हुई है इसीलिए उनके दिमाग में ट्यूमर हो गया इतनी ज्यादा अकल नहीं चलाना चाहिए मुरली की बातों के खिलाफ सारी कुमारियों को एडवांस पार्टी के बरखिलाफ ट्रेनिंग देकर के रखी अगर ये पॉइंट आए तो ये जवाब देना ये पॉइंट आए तो ये जवाब देना ये पॉइंट वो करे तो ये जवाब देना ये मुरली का पॉइंट बोला तो ये जवाब देना सारे उल्टे उल्टे जवाब से खा रखे रेनी सीजन में बड़े सब का टाइम में बहन सब को ले जाता है स्पेशल क्लास कराता है टीचर बहन सब और एडवांस पार्टी को डाउन करने के लिए उन्होंने बिल्कुल उल्टे उल्टे पॉइंट मुरली के पॉइंट अगर कोई एडवांस पार्टी वाले उठाए तो बिल्कुल ये इस तरह का जवाब दो बिल्कुल उल्टा जवाब अभी तो एडवांस पार्टी से कोई जाकर के एडवांस पार्टी पार्टी का जो मुरली ने सुना है वही बात बोलने से बोले तो आप बैठा आप आना आपके लिए दर्जा बंद है इसीलिए हम बोला इससे विश्व विजयी बन जाएंगे कहाँ से बन जाएंगे विश्व में से एक आत्मा को निकाल के बाहर कर देंगे उसे कन्विंस नहीं करेंगे तो विश्व विजेता कहे जाएंगे आजकल तो दुर्गा पूजा में बहुत चैतन्य दुर्गा बनाते हैं बहुत घी लगाते हैं कार्तिक गणेश उर्सुल सब बनाते हैं चैतन्य दुर्गा बाबा ने बताया है कि एक की पूजा करना है एक की पूजा है सतो प्रधान पूजा एक को याद करना है सतो प्रधान याद वो कह रहा अभी तमो प्रधान तक शूटिंग कर रहे हैं बाहर का आत्मा आकर के भीड़ हो जाता है देखने के बनो कुमारी ऐसा करा देखिए बनो कुमारी ऐसा करा इसी तरह एडवांस में कोई कुछ नहीं है लिखित में है अब सवाल ये है कि वो क्या करते हैं हमें ये नहीं देखना एडवांस पार्टी अभी क्या कर रही है ना वो तो देखना नहीं लेकिन लेकिन वो हम क्या कर रहे हैं हम कितने संगठित हो रहे हैं वो तो देखना नहीं ये बात लेकिन वो भाई क्वेश्चन किया है इसीलिए कहा है तो बोलेगा आप अभी क्या सुना है यही बात समझ में रख करके आप प्रश्न करना है जो मारो जाके उधर ही टाइम में एग्जाम समय आएगा जो बाद में बोला हुआ मेरा बाबा आ गया फिर ब्रह्मा कुमारी ही नहीं कहेंगे सारी दुनिया के हर समुदाय के लोग कहेंगे हमारा बाबा आ गया भगवान आ गया तो युद्ध होगा कोई महात्मा नहीं आ गया
देवात्मा नहीं आ गया, हमारा भगवान आ गया, हमारा बाबा आ गया। वो तो पहले ही मुरली में बोल दिया है बाबा ने, तुम बच्चे लिखो वो शब्द हटा करके आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, वो शब्द हटा दो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी शब्द, आगे चल के सब सेंटर से लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय। आपका जवाब मिला कि नहीं? भाई ये दुनिया में कहीं भी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के शास्त्रों में कहीं गायन नहीं है, ब्रह्मा का गायन ही नहीं है, ब्रह्मा के मंदिर ही नहीं है, एक है कुछ वो उसमें पूजा नहीं होती, पब्लिक जाके पूजा थोड़ी करती है, वहां के रहने वाले आजकल के जो पुजारी है वो भी नहीं पूजा कर रहे हैं, बस सिर्फ अपना पैसा कमाने का धंधा कर रहे हैं। घर में जब आग लगते हैं ना, घर में आग लग के सब जल जाते हैं, तब ब्रह्मा का पूजा करते हैं हमारे विधान में। ब्रह्मा का पूजा के बाद नया मकान बनाते हैं, आग लग जाते हैं। का मतलब ये हुआ यज्ञ के आदमी जब आग लग गई तब ब्रह्मा की पूजा शुरू हुई, यज्ञ के आज में दोनों पार्टियों में झगड़ा हुआ, सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों में और दूसरे धर्म वालों में, सारे ही सपोर्ट कर रहे थे ब्रह्मा बाबा को, फिर ब्रह्मा की पूजा शुरू होगी। होने का समय कैसा परिस्थिति आएगा, माता जी को ऐसे मन में घूमता है कैसा होगा परिस्थिति बता दीजिए, आदतवाणी में भी बता दिए, मदन वालों को मदन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, कुछ तो कारण बनेगा जो गीता पाठशाला वाले गीता पाठशाला छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अच्छा गीता पाठशाला छोड़ कर फिर जाएंगे कहाँ? कोई तो ठिकाना होगा दुनिया में, नदी में डूब मरेंगे कि सागर में डूब मरेंगे, कहाँ जाएंगे? जो मान जाएगा तो आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे? अरे गीता पाठशाला वाले गीता पाठशाला छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे डूब मरने के लिए कहीं जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कहाँ जाएंगे? माउंट आबू मधुन वालों को मधुन छोड़ना पड़ेगा। नहीं, जब मान जो लोग मान जाएगा, कौन लोग मान जाएंगे? जीके में, जीके वाले मान जाएंगे, मान जाएंगे तो मेरे बाबा को मान लेगा तब तक मधुमन ना। पहले एडवांस पार्टी वाले मानेंगे कि पहले बीके वाले मानेंगे? पहले लास्ट की बात, लास्ट में करो, पहले की बात करो, ये तो उस समय की बात कर रहे हैं, लास्ट समय की ही बात कर रहे हैं, लास्ट समय की ही बात कर रहे हैं, लास्ट का नजारा क्या होगा? हाँ, उस समय बीके वाले थोड़े समझ में बैठेंगे, उनकी समझ में नहीं आने वाला, अगर वो समझ में आने वाला हो तो वो तो अभी से समझने को उनके अंदर संस्कार होने चाहिए थे, वो समझ भी रहे हैं जो समझने वाले, जिनके लंबे समय के न समझने के संस्कार है, उस समय जब टीवी में अखबार में और रेडियो में चारों तरफ हर हर बम बम हो रही होगी तो वो सुनेंगे, वो तो और हंसी और उड़ाएंगे, देखो हम पहले ही कह रहे थे, ये एडवांस पार्टी नहीं, ऐसे ही ऐसे कोई शंकर वंकर नहीं है, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या, जब माउंट आबू से उनको हटाया जाएगा, बाहर फेंक लेंगे, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, तो भी कहाँ जाएंगे उनके फॉलोअर्स, कहाँ जाएंगे? अनिश्चय बुद्धि विनश्चंती हो जाएंगे,
दुनिया खेल खराश हो गई। शरीर में छोड़ना है अनिश्चय बुद्धि माने भी नष्ट थे खेल खलास, दुनिया उनकी खलास हो गई। भाई ने सुंदर प्रश्न किया है, अगले वो तो बोलते हैं नहीं ऐसा 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 बहुत बदनाम देते हैं। अभी अभी तो कम बदनामी कर रहे हैं, अभी तो बाहर की दुनिया के गुरु लोग जो है जब उनको असलियत समझ में आ जाएगी कि ये गुरु लोग सत्यानाश करने वाले हैं। ब्राह्मण की दुनिया के गुरु लोग नहीं, 2500 वर्ष की दुनिया में जितने भी गुरु आते रहे उन सबने दुनिया को गड्ढे में डाल दिया है। जब उनकी बुद्धि में ये बात आएगी कि ये ऐसे कहते हैं कितने बड़े गुरु बनेंगे, वो ब्रह्म कुमारी मिल जाएंगे। अब ब्रह्म कुमारी एडवांस पार्टी के जो विरोधी हैं उनसे जाके मिले हुए हैं, अभी भी मिल रहे हैं, कितना भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा दुनिया में। यहाँ मुठभर आदमी यही बात आप लोग कृपा करके क्यों रखा है जब कुछ ऋषि कला में ये बाबा इधर नहीं उधर है यही बात आखिरी बात क्यों छुपा करके रखा है तब क्या उत्तर हमें मालूम नहीं, क्या जवाब देंगे हमें क्या मालूम। तब तो युद्ध होगा तो वो जानते हुए भी ना कर लेंगे। आधारभूत आत्माओं को ज्ञान में जन्म देते हैं, जैसे शुद्ध दम सिद्धार्थ को जन्म दिया। हाँ शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को जन्म दिया तो इसी तो मरियम के गर्भ में जीसस का जन्म देने वाले बीज रूप आत्मा कौन बनते हैं? जो एडवांस पार्टी की शुरुआत की बीज रूप आत्मा होगी क्रिश्चियन धर्म की। तो दिखाया कि मरियम जब जीसस को गर्भ में धारण किया वो तो कहते हैं कुमारी, बाबा ने तो मुरली क्रास क्वेश्चन कर दिया कि कुमारी से कहीं जन्म होता है क्या, माने कुमारी नहीं थी किसी ने गुप्त चुप तो उसको उसके अंदर गर्भ डाल दिया। अच्छा। चोर चकार ने जैसे कुमारी से जन्म हुआ था। और जिसे प्रवेश करता है वो एक माता है एक एक बाप, जिसने प्रवेश किया वो बाप बीज, और जिसने प्रवेश किया वो आधार मूल। अब उनकी जो बातें सुने तो सब फॉलोअर्स बाल बच्चे हो गए। सुधोधन ने तो उनकी बात नहीं सुनी, बिंदुसार ने तो उनकी बात नहीं सुनी, तो उनके फॉलोअर्स थोड़ी गए जाएंगे, उनके बाल बच्चे थोड़ी गए जाएंगे, प्रजा थोड़ी गई जाएगी। सिद्धार्थ का बाप शुद्धोधन और शुद्धोधन का बाप बिंदुसार। सिद्धार्थ वो होगा जो बौद्ध धर्म का नारायण होगा, वो सिद्धार्थ बनेगा। जड़ तो झाड़ के नीचे जड़ें बैठी हुई हैं, जड़ों जो बैठे हुए हैं वो जड़ है ना, तो वो उन जड़ों में ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती है। है ना जी, तो सिद्धार्थ हुआ वो बुद्ध धर्म, पूरी बात सुन लो, बुद्ध धर्म का नारायण वो हुआ बौद्ध धर्म की जड़, और उस जड़ को जन्म देने वाला वो हुआ शुद्धोधन बीज, और शुद्धोधन का भी जो बाप हुआ वो हुआ बिंदुसार प्रजापिता बीजर पिता। शुद्धोधन बीज क्या पिता अब बिंदुसार, बिंदुसार सब बिंदुओं का सार, बिंदुसार बिंदु बिंदु आत्मा है उन सब बिंदुओं का सार। प्रजापिता ठाकुर
श्री झाड़ मित्रों में, झाड़ मित्रों में कोई आत्मा है जो बौद्ध धर्म की आधार मूर्त जड़ है, आधार माने जड़, वो सती में जाके नारायण बनेगी और द्वापर युग में जाकर के सिद्धार्थ बनेगी, उसका बाप बनेगा शुद्धोधन बीज रूप आत्मा और उसका भी बाप बनेगा बिंदुसार प्रजापिता। आधार मूर्त आत्मा ये बीते में होता है या भूत में होता है? आधार मूर्त माने जड़ है, जो প্রবেশ করব মানে প্রবেশ जो ऊपर से प्रवेश करने वाली जो आत्मा आती है परम धाम से द्वापर युग में, वो एडवांस रहती होगी ऊपर से जो आत्मा आती है इब्राहिम की या बुद्ध की, वो बेसिन कहाँ से आ गई? वो तो उतरती है द्वापर युग में ना, एडवांस में होगी, एडवांस आ रहे हैं बेसिन वाले सब अभी है संगठन। दूसरे धर्मों के धर्मग्रंथ वो ये कहते हैं कि जब कयामत होगी तो कयामत के समय सभी पैगंबर पैगंबर प्रत्यक्ष हो जाएंगे, सब कौन प्रत्यक्ष होंगे? एक टाइम पर दापर से जब आएंगे धरती पे वो लोग, वो आत्माएं सतयुग और त्रेतायुग में आएंगे कि नहीं? इब्राहिम बुद्ध का है, इब्राहिम बुद्ध का है और उनके पीछे पीछे इतना उल्लू का पत्थर सा है चारों ओर, एक तो ब्रह्मा कुमारी सब सताता है, दूसरा लौकिक में भी तंग करता है। चलेगा कि आप कितने बड़े राजा हैं, कितने बड़े कंट्रोलर हैं? झूठ सुबह से शाम तक झूठ, कभी दुनिया ही है, दुनिया में एक भी नहीं है जो सच है, सब झूठी है। एक नहीं हो उसमें याद क्यों करोगे? संसार में हम जो लोग समाज में रहते हैं सब झूठे हैं। एक भी नहीं देखा बाबा, कोई एक भी नहीं इधर, बस सुबह से शाम तक कुछ सच ढूंढे, एक भी नहीं ऐसे दुनिया है, कहाँ इधर मन लगेगा, कैसे मन लगेगा? ये दुनिया मजबूर कर देगी आपको ये दुनिया छोड़ने के लिए। हम तो बस है तुम्हारा इतना गुस्सा है, मन नहीं लगता है, तुम खेत में चले जाओ। हम दूसरे धर्म के खेत में भी दूसरे धर्म के बीज रूप आत्मा नहीं है क्या? मन नहीं लगता है, और भी महाभारत युद्ध बचा रहता है खेत में, और बड़े बड़े खतरनाक है।